रमी में आपका स्वागत है। इंडिया का फेवरेट कार्ड गेम MPL पे है तीन प्रकार के रमी, पॉइंट्स रमी, डील्स रमी और पूल रमी। हर वर्जन के लिए एक टेबल है यहाँ। ये आपके स्किल और एंट्री फी पे निर्भर है। अगर आप रमी में नए हो तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप लो एंट्री फी वाले टेबल्स के साथ शुरुआत करें। रमी का मेन ऑब्जेक्टिव है 13 कार्ड्स को वैलिड सेट्स और सीक्वेंस में सजाना और पॉइंट्स को 80 से शून्य बनाना। हर प्लेयर को एक गेम में मिनिमम 2 सीक्वेंस बनाने हैं। एक प्योर सीक्वेंस होना चाहिए और दूसरा प्योर या इम्प्योर में से कोई एक। इनको फर्स्ट लाइफ और सेकंड लाइफ भी बोला जाता है। दूसरे कार्ड्स कोई भी सीक्वेंस या सेट में हो सकते हैं। एक सूट के 3 या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव कार्ड्स जोकर के बगैर हो तो उसे प्योर सीक्वेंस कहते हैं। जोकर को इस्तेमाल करके एक ही सूट के 3 या उससे ज्यादा बढ़ते सीक्वेंस में कार्ड्स हो तो उसे कहते हैं इम्प्योर सीक्वेंस। एक ही रैंक पर अलग सूट्स के 3 या उससे ज्यादा कार्ड्स हो तो उसे कहते हैं सेट। सेट को जोकर के साथ भी बनाया जा सकता है। रमी में जोकर्स एक रेगुलर प्रिंटेड जोकर या फिर वाइल्ड कार्ड के रूप में पाया जाता है। गेम में पहले वाइल्ड कार्ड्स को चुना जाता है ताकि उन्हें जोकर की तरह आगे गेम में इस्तेमाल कर सकें। अब आते हैं स्कोरिंग सिस्टम पे। 13 कार्ड्स के एक हैंड के पास होता है मैक्सिमम 80 पॉइंट्स। फेस कार्ड्स के होते हैं 10 पॉइंट्स। नंबर कार्ड्स के पॉइंट्स उसके फेस वैल्यू के बराबर होते हैं। जो प्लेयर अपने वैलिड सेट्स और सीक्वेंस को डिक्लेयर करके सबसे जल्दी 0 पॉइंट्स पे पहुंचता है वो बन जाता है विनर। अब गेम खेलने की बारी है। सबसे पहले हर प्लेयर को दिए जाते हैं 13 कार्ड्स जिनमें से एक को चुना जाता है जोकर या वाइल्ड कार्ड के रूप में। RNG सर्टिफाइड एल्गोरिदम को यूज किया जाता है ताकि कार्ड्स अच्छी तरह से शफल हो जाएं। इससे चीटिंग की संभावना काफी कम हो जाती है। हर प्लेयर को खुद के टर्न पे एक कार्ड पिक करना होता है। वो क्लोज्ड डेक का सबसे पहला कार्ड या फिर पिछले खिलाड़ी के बाहर निकाले हुए कार्ड में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। कार्ड को पिक करते ही उन्हें एक कार्ड बाहर करना पड़ेगा। याद रखें कि गेम से एग्जिट ना किए जाए। अगर लगे कि आपका हैंड कमजोर पड़ रहा है या किसी और की आपसे पहले डिक्लेयर करने की संभावना है तो आप अपना हैंड ड्रॉप कर सकते हैं। इससे आप कम से कम पॉइंट्स गवाएंगे। अगर कोई भी प्लेयर फर्स्ट टाइम पे ड्रॉप करें वो फर्स्ट ड्रॉप के लिए गवाएंगे 20 पॉइंट्स। अगर बाद में ड्रॉप करें तो मिडिल ड्रॉप के लिए गवाएंगे 40 पॉइंट्स। जब प्लेयर के पास अपना सेट और सीक्वेंस रेडी हो वो डिक्लेयर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डिक्लेयर करने से पहले हमेशा अपने सेट्स और सीक्वेंसेस को जांच ले। इनवैलिड सेट और सीक्वेंस से आप ये गेम 80 पॉइंट से हार सकते हैं। शाबाश, जीत गए अपनी पहली गेम। MPL वॉलेट पे चेक करें अपनी अर्निंग। अब आप तैयार हो MPL पे रमी खेलने के लिए। गेम स्टार्ट करें लोअर टेबल से और जीते अपनी बाजी। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।